दिखाओ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो विधायक जी के साथ जो लोग रहते हैं वो अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट क्यों समझते हैं, क्योंकि लेकिन ठंडों में तो गर्म पानी से भी नहाने में ठंड लगती है। और किस काम से आए ये अभी नहीं बताएंगे। जय हो भगवान जी, आ गए हम लोग ऑफिस। यहाँ लगे हैं मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। देखिए विवान एकदम आराम से सो रहे हैं, रात में 3 बजे सोए हैं ये, और इतनी भयंकर ठंडा। ये विवान के पिताजी सो रहे हैं, हिल डुल रहे हैं थोड़ा सा। उठोगे क्या? अब मैं जा रही हूँ अब नहाने, क्योंकि गीजर कर दिया ऑन। और दिखाती हूँ मैं बाहर कितनी ठंड हो रही है आज, जबरदस्त। ये वाली ठंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ इसी वजह से। यार धूप वूप निकले तो टाइम पता चलता है। शिट, कोई धूप वूप नहीं है लग रहा है, लेकिन आज धूप निकल आएगी, देखो क्या होता है। लेकिन 12-1 बजे निकलेगी। कपड़े सूख नहीं रहे हैं, लेकिन धुलने तो डालने हैं, क्योंकि इतने सारा भंडार इकट्ठा हो गया है कपड़ों का। देखिए गाइस अब क्या कर सकते हैं, ठंड हो रही है तो धुलने तो डालने ही है कपड़े। यहाँ वॉश हो रहे हैं कपड़े, और वहाँ उबल रहे हैं आलू। इतनी तेज सीटी मत मार मुझे देख के। ये कर दिया मैंने आटा, आलू के पराठे बनेंगे। मैं नहा कर आ गई, पूजा करने जा रही हूँ, फिर उसके बाद बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, फिर खाएंगे आलू के पराठे। किस किस को आलू के पराठे पसंद हैं, वो भी ठंडों में? बरसात में तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन ठंडों में बताना कमेंट सेक्शन में। पूजा कर ली, जय श्री राम। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, अभी तक दोनों बाप बेटे सो रहे हैं। देखो ये मम्मियाँ जल्दी क्यों जग जाती हैं, मम्मियों को इतना काम क्यों करना पड़ता है? क्यों अभी सिंह बताओ मुझे, मेरे सवाल का जवाब दो। साक्षी जवाब चाहती है क्या? कि ये मम्मियाँ इतनी जल्दी क्यों जग जाती हैं? जिम्मेदारियाँ हैं इनके सर पे, जिम्मेदारियाँ हैं हमारे सर पे, और पापा के सर पे, पापा के सर पे, पापा के सर पे तो सिर्फ माल पैदा करना है, वो तो कहीं से कर देंगे। हाँ खिलाना है मतलब भी बच्चों को, है ना, बस बात करता। मगर आलू के पराठे जिसे खाने वो आ जाइए, आलू के पराठे, चाय बन गई। अब मैं जा रही हूँ विवान के पापा को ये देने। अरे भैया गिर ना जाए, पहले फोन बंद करूँ मैं। हमारी तो पेट पूजा हो गई, नाश्ता हो गया, अब बाहर बेचारे जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको भी कुछ खिला के आ जाते हैं, ताकि जो एक वो है ना उसके बच्चे हुए हैं बिच, तो उसको ज़्यादा नीड रहती है, दूध पिलाती है वो अपने बच्चों को। आप दिख नहीं रहे, ये देखो पानी, पानी के हालात बहुत ख़राब हैं। ये रोड उन लोगों ने कह दिए, टेंडर पास हो गया है तो वेट करिए, धुलाई करते हैं लोग तो घरों के बाहर पानी आता है, ऑब्वियस सी बात है। ये देखिए यहाँ पर फिर से पानी भर गया, अब किससे कंप्लेंट करी जाए? मैं तो सोच रही हूँ मेयर साहब से मिल लिया जाए एक बार, उनसे बोल दिया जाए कि बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, जल्दी से। और क्योंकि नाली से बाहर पानी आता है, देखिए नाली बहुत, मतलब अगर इनकी जो बाउंड्री है वो ऊंची हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है बाहर पानी ना आए, उधर तो बिल्कुल ही बाहर पानी आ रहा है। देखिए ये बंदर भी आ गया, इनने जैसे ही देखा कि मैं पूड़ी खिला रही हूँ, ले आ जा, ले ले तू भी ले ले, ले ये ले, ले आ जा ले ले। अरे कैसे फेंकूं इसको, ले बहुत सारे बंदर आ गए हैं, मुझे लगता है इन्हीं को फेंकनी पड़ेंगी वरना ये मुझे काट लेंगे। आ जाओ हेलो, देखो कितने सारे आ गए पूड़ी के चक्कर में, तुम ही खा लो। मुझे वो डॉगी दिखी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, ये नीचे आ रहे हैं, मैंने वहाँ पे फेंक दी वरना मुझे काट लेते पक्का। हाँ खा लो
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हेलो गाइस, ये क्या है? एग। ये किस में देखते हो आप? एग एग गाइस, देखिए डायनासोर कार्टून देखता है उसमें आता है एग 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 सरप्राइज। हाँ एग सरप्राइज, उसमें कुछ ना कुछ निकलता है। सॉरी 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 सॉरी। एक दिन तो ये शॉप पे इसको अंडे दिख गया तो कह रहा मम्मा एग ले लो, इसको लग रहा उसमें भी कुछ ना कुछ निकलेगा। इसको क्या बता दा वो रियल का अंडा है, आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा। अंडे का फंडा तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ एक नेता जी के यहाँ पे, विधायक जी के यहाँ पे, और किन विधायक जी के यहाँ पे जा रही हूँ वो मैं आपको बता दूंगी ब्लॉग में, यूं ही बने रहिए। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है अंशिका, जिसने रंगोली वाला ब्लॉग देखा होगा हमारा रोटरी दिवाली मेला वाला, वही अंशिका जिसने रंगोली बनाई थी और हम उनकी टीम में थे, तो उसी काम से जा रहे हैं हम। कुछ बताते हैं किस काम से जा रहे हैं। जय हो भगवान जी। आ गए हम लोग ऑफिस, यहाँ लगे हैं मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी। तो गाइस आज मुझे विधायक जी के कार्यालय पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ कि मैं विधायक जी के कार्यालय पे आई। ये मेरा फ़ोन कहाँ जा रहा है ऑटोमेटिकली? और हम किस काम से यहाँ पर आए हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी बस काम हो जाए हमारा फिर उसके बाद बताएंगे। बैक कैमरा कौन है कौन है कौन है? पीछे दिखाओ किन किन के फोटो लगे। मोदी जी, योगी जी, और कौन है? अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, और माननीय केंद्र सिंह चौधरी। जय माता दी। बिहारी जी ओ सॉरी, मुझे लगा काली मैया है। सॉरी जी, हमारा काम करवा देना। बस अंकल जी शॉप पे आई, उठाया दूध, अब जा रही हूँ घर पर। हेलो, क्या कर रहे थे? पता नहीं सिक्कों से क्यों खेलता है बीबा। क्या कर रहे हो? हाँ चंदा, मेरी चंदा माँ। हाँ ठंडे हो रहे। तो गाइस मैं आ गई वापस घर पर, और हम लोग विधायक जी के यहाँ पर क्यों गए थे वो हम अभी बात नहीं बताएंगे, बाद में बता देंगे जब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ अपने बरेली के नेताओं से कि प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो आप लोगों ने अपने कार्यालय पे पीआरओ लोगों को बैठा रखा है तो वो उस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि मैंने उनको बोला, हम लोगों ने उनको बोला पीआरओ सर को कि आप विधायक जी को कॉल कर दीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं उनकी कॉल नहीं लगेगी, वो ऐसी जगह पे गए हुए हैं कि वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, उनको जब खुद काम होगा तो वो फ़ोन कर लेंगे। यार ये कोई बात नहीं होती, अगर कोई इंसान अपना समय निकाल कर अपने किसी काम से आया है तो एक उम्मीद के साथ ही जाता है ऐसे लोगों के पास, तो अब इसी बात है सामने वाले का फ़र्ज़ बनता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, अच्छा रिस्पॉन्स दें। फिर अंशिका ने, जो मेरी फ्रेंड है जिसके साथ मैं गई थी, तो अंशिका ने विधायक जी को फोन किया और नो डाउट विधायक जी ने फोन उठाया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो विधायक जी के साथ जो लोग रहते हैं वो अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट क्यों समझते हैं, क्योंकि विधायक जी ने तो तुरंत फोन उठा लिया और एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया जिस काम के लिए गए थे, मतलब जो वहां का काम था वो हमारा पूरा हो गया है, और हम क्यों गए थे ये हम बाद में बताएंगे। तो जो ये पीआरओ होते हैं, जो ये साथ में चलने वाले लोग होते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही हीरो बनने लगते हैं विधायक जी लोगों के साथ जो लोग होते हैं। तो नेताओं लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आपके अंडर में जो लोग भी काम करते हैं उनको थोड़ा समझाइए, अगर आप इतने डाउन टू अर्थ हैं तो वो लोग डाउन टू अर्थ क्यों नहीं है। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, और यूं ही कमेंट करते रहें अच्छे अच्छे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ जिसकी जल रही है वो अपने जलाते रहिए। बाय गाइज, लव यू ऑल।